दोस्तों क्या हाल हैं, खुश हो और उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त के कैसे होंगे और बाइक और दुआ में आ सकते होंगे। दोस्तों ये मेरे पास अली 3510D वाला RCR रिपेयर होने के लिए आया था। सबसे पहले इसमें मैंने चेक किया तो इसकी सप्लाई बंद आ रही थी, तो आज सप्लाई रिपेयर करते हैं इसमें। दोस्तों अमूमन इसकी जब भी सप्लाई में फॉल्ट होता है तो इसकी ये वाली IC ख़राब हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये IC मार्केट से मिलती है, तो IC अपन लेके लगाते हैं तो उसमें 100 में से 50 पीस चलते हैं, 50 पीस चलते नहीं हैं, लगाओ तो उसी टाइम उड़ जाती है। तो आज सप्लाई रिपेयर करने का तरीका बिल्कुल ईजी आप भाइयों को बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। सप्लाई में अपन दोस्तों ये IC निकाल लेंगे, तो IC की जगह पे ये अपन मॉडल लगाएंगे CA 888, ठीक है दोस्तों। जो मॉडल लगाएंगे इसमें, ये मॉडल लगाने का तरीका भाइयों से शेयर करता हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से आप लगा सकते हो। ऐसा तरीका बताऊंगा आज तक किसी ने बताया नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले तो अपन ये IC ओपन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो IC मैंने इसकी ओपन कर ली है, तो अभी इस मॉडल के कनेक्शन करते हैं अपन, बिल्कुल इजी तरीके से अपन इसमें कनेक्शन करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें ये हरे कलर की तार है, जो ये अपन जो इसका मेन फिल्टर है, इसका मेन फिल्टर इसके पावर ट्यूब में लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये पावर ट्यूब में लगाएंगे, उसके बाद इसकी जो ये ब्लैक कलर की तार है ये इसके नेगेटिव में लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद अपने तीन तारें बचती हैं, ये वाली येलो तार जो IC के ये इसका फिल्टर से करंट घूम के ये कलेक्टर बनता है इसका IC का, कलेक्टर में लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बचती हैं अपनी दो तारें, एक तार अपनी ये इस STR को ऑन करने के लिए बेसिंग वोल्ट होते हैं इसके, जो इस चोपर में से अमूमन निकलते हैं, ये फिल्टर लगा होता है, तो ये फिल्टर पे अपन लगा देंगे इसकी पावर ट्यूब पे, ठीक है दोस्तों। तो इसके पावर ट्यूब पे लगा दिया, ठीक है दोस्तों। बाकी एक तार अपन की जो ये बचती है, तो ये PC में अमूमन दोस्त ज़्यादातर कमेंट करते हैं यार अभी PC की तार हमें समझ में नहीं आ रही, PC की किस तरफ से लगाएं। PC के सबसे ईजी तरीका आप भाइयों को बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। एक तार अपन देखो ये ग्राउंड से लगाएंगे मीटर को, ठीक है दोस्तों। तो अपन इसकी जो ये माइनस वाला एक मीटर रखेंगे और मीटर को उसके रेंज पे रखेंगे, तो अपन ये चेक करेंगे भाई इसकी निगेटिव कौन सी है, ठीक है दोस्तों, ये चेक करेंगे, ठीक है। देखो ये अपन ये दूसरी नेगेटिव से नहीं बता रही है, ये नेगेटिव से बता रही है, जो नेगेटिव से बता रही है उसमें ये PC की तार नहीं लगेगी, जो नहीं बता रही उसमें अपन ये PC ये STR का कनेक्शन कर लेंगे मॉडल का, ठीक है। तो एक तार नेगेटिव होती है PC की, एक तार जो कंट्रोल करने के लिए होती है, तो अपन ने इसी तरीके से अपन ने कनेक्शन कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो अभी अपन इसकी सप्लाई लगा के चेक करते हैं कि इसके अपने वोल्ट ठीक बने या अभी कोई 19-20 है, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसके वोल्ट अपन चेक करेंगे और अपन रेडी बन गए, सारे वोल्ट ओके हो गए। दोस्तों अगर फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो भाई को कमेंट करके पहले पूछ लेना, जो भी भाई जानकारी रखता है इंशाल्लाह दोस्तों से शेयर करेगा। अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखे, ताकि ऐसी मदद इन्फॉर्मेशन वीडियो आप भाइयों को टाइम पे मिले, और साथ साथ लाइक भी किया करो ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो, हम अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल इजी तरीके से मैंने कनेक्ट किए, तो मैं आप दोस्तों को क्लियरली बता देता हूँ, ये जो ग्रीन कलर की जो तार है वो प्लस में लगेगी फिल्टर पर, ब्लैक कलर की तार लगेगी ग्राउंड में, पीले कलर की जो IC में कलेक्टर ये इसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कंडेंसर से घूम के जो करंट आ रहा है उसमें लगेगी, ठीक है, चोपर से घूम के जो कलेक्टर आ रहा है
उसमें लगेगी। उसके बाद एक अपन की रेड बचेगी, रेड लगेगी, ये डाइवर्ट भी लगा होता है चॉपर के थ्रू एक छोटा सा, जो उसमें से बेसिंग बेसिंग जो वोल्ट निकलते हैं ऑन करने के लिए, ठीक है दोस्तों, 8-9 वोल्ट निकलते हैं, तो यहाँ पे ये लगेगी एक तार। उसके बाद बचेगी ये अपन की पीसी की बचेगी, तो ये अपना मोटर लग गया, तो ये अपना सप्लाई पर अपन रेडी वर्क कर रही है। तो अभी अपन रिसीवर में लगा के चेक करते हैं। तो दोस्तों अपने सप्लाई फिट कर ली, ठीक है, मैंने यहाँ पे नट लगा लिया, ये वो मजबूत हो गया, काबू हो गया, आईसी देखो इसमें निकली हुई है, ठीक है। तो अभी सप्लाई की तार लगा रहा हूँ, अभी करते हैं इसको ऑन, तो रेडी हो चुका है अपना रिसीवर। ठीक है दोस्तों, ये ऑन हो गया, और ये सेल बिल्कुल चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, सिग्नल वाली बत्ती भी आ गई, उसका आवाज़ भी आ गया, बिल्कुल ओके हो गया। और दोस्तों ये सप्लाई मैंने जूम करके आप दोस्तों को दिखा दिया। दोस्तों ये 100-150 रुपया खर्च करके आप सप्लाई रिपेयर कर सकते हो बिल्कुल ईजी तरीके से। और ये सप्लाई इंशाल्लाह जैसे आईसी ख़राब होती है ऐसे ही मॉडल ख़राब ही नहीं होता है, इस रिसीवर में बेहतरीन चलता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।